दोस्तों जय हिंद। जैसा कि आप जान रहे हैं दोस्तों कि मैं YouTube पर डेली वीडियो अपलोड करते रहता हूं लाइब्रेरी के वैकेंसी और ट्रेनिंग के लिए। डेली मैं 2 से 3 वीडियो अपलोड करते रहता हूं और आज जो वीडियो निकल के आई है हिमाचल प्रदेश ऑफ यूनिवर्सिटी है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश निकल के आई, जो कहाँ है शाहपुर परिसर, शाहपुर जिला, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ठीक है, पिन कोड यहाँ पर दिया है, वेबसाइट इसका ये है। वेबसाइट आप ध्यान देख, वेबसाइट पर जाकर इसका चेक कर सकते हैं रिक्रूटमेंट। जो डेट निकल के आई है ये 26/7/2023 को निकल के आई है और इस फॉर्म को आपको भरना है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं रिसर्च एसोसिएट का है ना। और इसमें जो आपका है एसेंशियल जो मांग रहा है ना, इसमें आप देखिए एमलिस डिग्री मांग रहा है। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर आपका फॉर्म निकला हुआ है एमलिस। इसमें कह रहा है कि आपका एमलिस डिग्री होना चाहिए विथ 55% मार्क्स के साथ, नेट क्वालिफाई होना चाहिए या फिर एसलेट या फिर एमफिल पीएचडी अपने किए होने चाहिए, यूजीसी नेट क्वालिफाई होना चाहिए, डिजायरेबल में है वर्किंग नॉलेज ऑफ एनी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब क्या लाइनक्स जो है आपका कोहा, ये सब का जो इंस्टॉल का एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम ये है, उसका आपको नॉलेज होना चाहिए या फिर आपका डीएसपीएस 7x का नॉलेज होना चाहिए। इसमें आपको पर मंथ जो मिलने वाला है आपको मंथली 20,000 मिलने वाला है। एज लिमिट है जो 30 साल से कम होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एक ही है तो आपको इसके में अप्लाई कर देना। न्यू दिल्ली का है। इसमें कह रहा है कि जो भी कैंडिडेट अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको इस फॉर्म को जो नीचे इसमें फॉर्म में दिया हुआ है इस फॉर्म को भर के आपको सेल्फ स्टेटस कर देना है, आपको साइन सब पे कर देना है, सारे डॉक्यूमेंट को सिंगल मर्ज पीडीएफ मतलब एक ही पीडीएफ में सारे 10th से लेकर के और बिलिस एमलिस है ना, एस्टेट वाला सर्टिफिकेट, फिर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबको एक पीडीएफ में कर देना है। सारे को एक पीडीएफ में बनाकर नीचे फॉर्म को भी एक पीडीएफ में करके और आपको 9 अगस्त से पहले पहले इस मेल पर भेज देना है। मेल आपको फिर ध्यान देना है dimple@hpcu.ac.in पे आपको 9 अगस्त से पहले पहले आपको भेज देना है। ठीक है, इसका फॉर्म आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। जो फॉर्म आपका है यहाँ पर नीचे में दिया हुआ फॉर्म एनेक्सर 1, यहाँ पर आपको भरना है नेम, फादर्स नेम जैसे कि नॉर्मल जो फॉर्म में होता है, यहाँ अपना फोटो चिपका देना है, एड्रेस डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, परमानेंट एड्रेस डालना है, नेशनलिटी डाल देना है, जेंडर, ये सब आपको फॉर्म को सबको आता है भरने। आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा। यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है अपना ध्यान से भरिएगा, सारा इंजुएशन पासिंग मार्क्स CGPA जितना डिवीजन सब आपको अच्छे से भर देना है। एडिशनल में जो जो है आपने किया है नेट एस्टेट जब कब पास किया, कितना रैंक आया था है ना, नेम ऑफ एग्जामिनेशन कौन था, नेट था या फिर एस्टेट था, तो इसमें नेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या भरेगा, नेट या स्टेट या फिर नेट JRF जो भी आप किए गेट किया तो उसका यहाँ पे डालना है, पासिंग कब किए तो उसका रैंक कितना आया था। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे टीचिंग का रिसर्च इंडस्ट्रियल जिस अगर आप टीचिंग किए हैं तो कहाँ पे किए हैं, कितने से कब से कब तक किए हैं, डिजिन वहाँ पर कौन सा पोस्ट पर थे वो डालना है। फिर यहाँ पर नेट डेट प्लेस डालकर यहाँ पर साइन करके आपको फॉर्म को सबमिट करके और 9 तारीख से पहले पहले आपको भेज देना है। तो फॉर्म को जो दोस्तों जल्दी से जल्दी भर दीजिए। ठीक है, कोई चार्ज वगैरह इसमें नहीं है, इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।